Dear students, in this module, we are going to discuss the role of status in the system of social stratification. Status is a system of social stratification based on differences in social prestige, which may be based on factors such as occupation, education, and lifestyle. Though माशरों के अंदर जो लोग हायर स्टेटस के ऊपर होते हैं चाहे वो एक्नॉमिक फैक्टर की वजह से हो या एजुकेशन की वजह से हो या उनके अपने पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल की वजह से हो उनको वो रिलेटिवली एडवाटेज पोजिशन के ऊपर होते हैं इसीलिए ये एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भी बन जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके उस हायर स्टेटस को अचीव करने की कोशिश करें ताकि उनके लिए जो प्रेस्टीज है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ें और फर्दर लाइफ के अंदर मौजूद जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके आ, उनके हवाले से उन वो चीज़ें भी उनके लिए एक्सेसिबल हो सकें सो स्टेटस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मॉडर्न इंडस्ट्रलाइज सोसाइटीज़ इन विच सोशल पोजिशन इज़ मोर फ्लूड एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड मेरिट अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें या पाकिस्तान में भी अर्बन लिविंग की बात करें अर्बन लाइफ की बात करें तो इसमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं सोशल मोबिलिटी की हम दर्जा बंदी की अंदर मौजूद जो हरार्किकल पोजीशंस हैं उन में अपवर्ड मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं जो मेजर फैक्टर होता है इसमें वो आपका एजुकेशन होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इसके साथ साथ जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस होता है स्टेटस में बी बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग वेल्थ एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड कल्चरल कैपिटल कल्चरल कैपिटल से मुराद ये है कि आपके पास कितने पोटेंशियल रिसोर्स हैं आपके कल्चर के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है और जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक ऐसी प्रस्टिजियस पोजिशन एक्वायर कर सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर गांव में जो एक पीर साहब होते हैं उनका जो अपने मुरीदों के ऊपर जो होल्ड होता है या उनकी जो अथॉरिटी होती है वो भी कल्चरल कैपिटल का एक की एक रिफ्लेक्शन हो सकती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन हो या उनका हायर फाइनेंशियल स्टेटस हो लेकिन इसके बावजूद स्टार्टिफिकेशन की पोजीशन के अंदर उनका एक हायर स्टेटस होता है दोज एट द टॉप ऑफ स्टेटस हरारकी आफ्टर हैव ग्रेटर एक्सेस टू सोशल एंड एक्नॉमिक रिसोर्स एज वेल एज़ ग्रेटर पोलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुंस तो चूँकि ना सिर्फ इनके पास एकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं इनके पास पॉसिबिलिटीज टू सर्वाइव इन द सोसाइटी बढ़ जाती हैं इनके पास लाइफ को एक्सरसाइज करने की लाइफ को इंजॉय करने की और कम्फर्टेबल लिविंग की अपरचुनिटीज़ बढ़ती हैं बल्कि इसके साथ साथ जो पोलिटिकल इन्फ्लेंस होता है वो भी बढ़ जाता है सो स्टेटस कैन बी री थ्रू आ रेंज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशनस इंक्लूडिंग एजुकेशन मीडिया एंड कल्चरल प्रैक्टिस एंड स्टेटस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सर्टन प्रोफेशंस और सच एज डॉक्टर्स लॉयर एंड बिजनेस एग्जीक्यवस तो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में भी आप देखेंगे के सर्टेन प्रोफेशंस जो हैं वो भी रिलेटिवली हाई स्टेटस पोजिशन कंसीडर किए जाते हैं जैसे डॉक्टर हैं या लॉयर्स हैं या बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स हैं इन कंपैरिजन टू डेट जो एक टीचर है उसको रिलेटिवली लोअर सोशल स्टेटस कंसीडर किया जाता है इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद लोग होते हैं उनको रिलेटिवली हाई स्टेटस की पोजीशंस के ऊपर कंसीडर किया जाता है एज़ कंपेयर टू दोस्त के जो किसी सर्टन प्रोफेशन के अंदर होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ कॉबलर और इफ़ यू आर अ बार्बर तो आपका वो जो आक्यूपेशन है वो आपकी पोजिशन या आपके स्टेटस की पोजिशन को डिटर्मिन कर रहा होता है so, तो स्टेटस इज आफ्टन लिंक टू सोशल मोबिलिटी एंड एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल लैडर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड एफर्ट ये फिक्सड uh, हरगिज़ नहीं होता इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपका स्टेटस हायर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एंड योर अचीवमेंट्स एंड द पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन द सोसाइटी इन पाकिस्तान स्टेटस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सोशल स्टेटिफिकेसन पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज एंड अमंग द मिडल एंड अपर क्लासेस सो अनफॉर्चुनेटली लोअर क्लास जो है वो पोटेंशली लोअर स्टेटस पोजिशन के ऊपर होती है बाकी मिडिल क्लास और अपर क्लास को जो है ये टेकन फॉर ग्रांटेड होता है उनके लिए कि दैट दे आर इन्जॉइंग और दे आर हैविंग द हाई स्टेटस एज़ कम्पेयर टू दोज एट द लोअर क्लास पोजिशन